अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए वेजी मसाला ओट्स की रेसिपी लेकर आए हैं। ये बहुत ही हेल्दी होता है, तो चलिए आज हम आपको बता देते हैं इसे कैसे बनाना है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है और 1 टी स्पून गार्लिक चॉप करी हुई हम इसे ऐड कर देंगे और सौते कर लेंगे। और साथ ही हम प्याज भी ऐड कर देंगे। हमने एक स्मॉल साइज की प्याज ली थी, हम इसे भी अच्छे से सौते कर लेंगे। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आप इसे एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। अब प्याज और लहसुन अच्छे से सौते हो चुका है, अब हम इसमें ग्रेट करी हुई गाजर भी ऐड कर देंगे। आप सब्जी अपने हिसाब से ऐड कर सकती हैं, कम या ज़्यादा, और आपको जो पसंद है आप वही ऐड कीजिएगा। अब हमने गाजर को भी अच्छे से सौते कर लिया है, शिमला मिर्च भी ऐड कर देंगे और हरी प्याज भी। हरी प्याज को भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। हम इसे करीब 1 से 1.5 मिनट तक लीड लगाकर कुक करेंगे ताकि थोड़ी सब्जियां सॉफ्ट हो जाएं। अब सब्जियां अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं, अब हम इसमें ओट्स ऐड करेंगे। 1 कटोरी हमने ली है, अब हम इसे भी अच्छे से सौते कर लेंगे सब्जी के साथ। अब हमने इसे भी अच्छे से सौते कर लिया, अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। 1 गिलास हमने पानी लिया है, अब हम बॉईल आने का वेट करेंगे और साथ ही हम चिंग्स मसाला ऐड कर देंगे। अगर आपको चिंग्स मसाला नहीं ऐड करना है तो आप लाल मिर्च या हरी मिर्च आप टेस्ट अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकती हैं, लेकिन आप अगर चिंग्स मसाला ऐड करेंगी तो बहुत ही अच्छा बनेगा। आप एक बार इस तरीके से बना के देखिए, आपको मसाला ओट्स बहुत पसंद आएगा। अगर आप डाइट पे हैं तो इसे ज़रूर शामिल करें, ये काफ़ी हेल्प करता है वेट लॉस करने में। अब अच्छे से ये बॉईल हो रहा है, अब हम इसमें 1/2 नींबू ऐड कर देंगे। टेस्ट अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। बॉईल आने पर हम इसे सिर्फ 1/2 मिनट ही कुक करेंगे। अब ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। तो देखिए, अब हमारा गर्मा गर्म वेजी मसाला ओट्स बनकर तैयार है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी और वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।